ये एक खास पेशकश है वुमेन्स वर्ल्ड कप स्पेशल की हमारे साथ एक बहुत ही आला नाम है यूएई में जिन्होंने 25 साल इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे खेला है जिसके ऊपर आज ये पहला मैच खेला जा रहा है और उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है शहजाद अलताफ शहजाद अलताफ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हम मार्बेला रिजॉर्ट्स में हैं शारजा के स्टेडियम से चंद किलोमीटर दूर शहजाद साहब पहला दिन वर्ल्ड कप का आपने कभी सोचा था आज से तीन महीने पहले कि यूएई और शारजा होस्ट करेगी ये इतना बड़ा वर्ल्ड कप जी बिल्कुल नहीं सोचा था क्योंकि बांग्लादेश में ऑलमोस्ट क्रिकेट कंटिन्यू हो, होती आ रही है तो लास्ट आई थिंक तीन चार महीने पहले उनका जो प्रॉब्लम था जो स्ट्राइक्स आई उसकी वजह से उन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया यूएई के अंदर ये सबसे बड़ी खुशी की बात है जहाँ जिस स्टेडियम में ये मैच हो रहा है वहाँ मैं पच्चीस साल उस क्लब के लिए खेला हूँ हमें बड़ी खुशी की है कि यहाँ पे यू ए वुमेन्स टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच आज हो रहा है बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान ढाई सौ मैच से ऊपर हो गए जो मेल्स ने खेले हैं और ये पहला बड़ा मैच वर्ल्ड कप का मैच फीमेल का हो रहा है यू नहीं है बट ये मैच बरकर आ रहा है कुछ आपकी पर्सनल मेमोरीज है इस ग्राउंड के साथ मुखर साहब के साथ जी बिल्कुल पर्सनल मेमोरी क्योंकि यहाँ पे मैं 25 साल इस क्लब से खेला हूँ इस क्लब ने हमें बहुत कुछ दिया है हमें क्रिकेट दी है बहुत कुछ दिया और मुझे इसी क्लब की वजह से मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड कप खेलाऊंगा इसके लिए इस क्लब्स के लिए तो इस क्लब के हम लोग हमेशा बिल्कुल एहसानमंद हैं कि ये शारजा क्लब जो है लेकिन आज बड़ी खुशी की बात हो रही है कि यहाँ पे ले, वुमेंस का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी हो रहा है और इसी ग्राउंड के अंदर इसी ग्राउंड के अंदर मैं इंडिया ए के खिलाफ मैच खेला था जिसमें राहुल डेवर्ड गंगुली लक्ष्मण राथुर और, और प्रवीण आंबले जैसे प्लेयर थे और मैंने दस ओवर में दस रन दिए थे जो मेरे पहले आठ ओवर उसमें पाँच मेडिंग तीन स्कोर था तो इस ग्राउंड में जब कोई क्रिकेट होती तो हमें बड़ी खुशी होती है वेल ये थी बात इंडिया ए टूर की साल था मिड या अर्ली नाइनटीन नाइन्टीज़ का जहाँ पे ए टूर्स बहुत होते थे इमर्जिंग टीम्स एंड एसोसिएट टीम्स के साथ खेला जाता था रिमेंबर यहाँ पे बड़े बड़े कप्तान बड़े बड़े नाम यू के रह चुके आज हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड वर्सेज बांग्लादेश की अगर आप दोनों की टीम के बारे में बात कर ले स्कॉटलैंड आज एक बड़े लेवल पे खेल रही है उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स को हरा चुके हैं उनकी जो बैटिंग लाइनअप है बैटिंग स्कोर जो होता है वो डीप होते होते उनकी जो स्ट्राइक रेट है सबसे अच्छी है आपको लगता है बैटिंग डीप ट्वेंटी ओवर्स में मदद करता है जी बैटिंग लेंथ जिस टीम की भी स्ट्रॉग होगी स्पेशली जो उनके ओपनर्स है उनका जो पावर प्ले का जो अगर उन्होंने यूटिलाइज़ करना सबसे बड़ा मेन वहाँ पे होता है ए, कैसे जुटा कर लेकिन अगर आप देखा जाए जो बांग्लादेश की टीम है यहाँ पे यूएई के अंदर लास्ट में छः में से पांच मैच उन्होंने विन किए होंगे जी जो कि उनका एक प्लस पॉइंट है अगर आज बैटिंग बांग्लादेश टॉस जीतता है तो वो पहले बैटिंग करेगा जी बहुत बढ़िया बांग्लादेश जो भी टीम जीतती है खासकर यहाँ पे बैटिंग करती है आपके हिसाब से ये जो पिच है ये जो 25 साल पहले पिच थी वैसी है या कुछ चेंज होती 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 आई है नहीं ये पच्चीस साल पुरानी पिच तो नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने हाल ही में बिल्कुल नई पिचिज़ बनाई है एक साल दो साल पहले लेकिन यहाँ की जो पिचिज़ है अच्छी हैं बैटिंग पिचिज़ हैं यहाँ का जो ग्राउंड ब्रांस है वो आई थिंक देखा जाए तो फोटी ईयर्स से वही कंटिन्यू ग्राउंड बैनस है जिसको जब पिचिस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है और आई थिंक वो हमेशा अच्छी पिचिस बनाता है जमील उसका नाम है और हमेशा अच्छी पिचिस बनाता है वो वेल well, जमील ने बहुत ही अच्छा इनफैक्ट सबसे आला दर्जे के सर्वेंट रहे हैं ऑफिस गेम जिन्होंने इतने अच्छी तरह से खिदमत है थोड़ा और बताइए इस पिच क्यूरेटर के बारे में क्योंकि हमने ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं हम कभी क्यूरेटर्स को नहीं करते इस क्यूरेटर के बारे में बात करिए आप जी हमें बिल्कुल क्यूरेटर के बारे में बात करनी चाहिए कि इनका एक मेन रोल होता है जी पिचिस के ऊपर ना ये और इनके हाथ में होता है ये बैटिंग पिच्च बनाएँ बॉलिंग पिच्च बनाएँ क्योंकि तो इनको पिच्च बना बना के इतना नॉलेज जा आ जा जाता है अगर वहाँ पे उनकी जो होम टीम्स होती है हमेशा वो उनको बोलती है भाई पिचिस के बारे में जाकर पूछेगी ये कैसा खेलेगी क्या खेलेगी लेकिन ये ग्राउंडसमैन होते हैं तो ये पिच्च बिल्कुल नॉर्मल बनाते हैं दोनों टीमों के लिए होती है और इनको बोल दिया जाता है भी आज बैटिंग बनानी या बॉलिंग बनानी उसी के हिसाब से ये लोग काम करते हैं दो मैचेस हो रहे हैं बैक टू बैक आपको लगता है अस्सी ओवर बाद ये पिच दम तोड़ देगी या चलती रहेगी मुझे नहीं लगता कि वो सेम पिच में दूसरा मैच होगा जी आई थिंक वो पिचेज चेंज करेंगे बिल्कुल क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस है सेम पिच में वो मुझे नहीं लगता खेलेंगे जी तो दूसरी पिच होगी जो रेडी होगी वो उसमें खेलेंगे एब्सोल्यूटली वेल स्कॉटलैंड के पास आठ बैट्समैन है जो डीप तक खेलते हैं फिर उनकी टेल शुरू होती है सर स्कॉटलैंड ने यूएई को भी हराया आपको लगता है कहीं यू का बदला स्कॉटलैंड ने लेके इस वर्ल्ड कप में पहुँचे तो आपका सपोर्ट यू की तरफ सॉरी बांग्लादेश की तरफ है या स्कॉटलैंड की तरफ रहेगा नहीं हमेशा मेरा तो एज ए प्लेयर जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी लेकिन जो यू की टीम है हमारी आ, अभी काफ़ी उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है मेरा ख्याल मुझे लगता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हमारी यू की टीम भी क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप के लिए और हम बहुत इसमें उम्मीद कुछ टैलेंट के बारे में बताएंगे आपको यू क्योंकि वो होस्ट है और ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड कप के अंदर कि आप होस्ट टीम वर्ल्ड कप के अंदर नहीं है वुमेंस की बट होल्ड वर्ल्ड कप पहली बार दफ़ा हो रहा है वहाँ तो यूएई की टीम के बारे में कुछ खासियत बताएंगे यू की टीम देखें ना इतनी पुरानी नहीं और इतना इन लोगों को चांस नहीं मिलता जितनी दूसरी कंट्रीज़ के खेलती हैं जैसे उनकी प्रैक्टिस होती है ये होती इनको मैचेस बहुत कम मिलते हैं यू टीम को मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में अभी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन आई है और वो काफ़ी मैचिज़ यू के लिए मैचज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बल्कि मैं खुद भी इनके लिए काफ़ी मैचेज़ करता हूँ यू टीम के लिए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यू की टीम काफ़ी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट कमिंग वर्ल्ड कप में जो यू की टीम क्वालीफाई करेगी चलिए ये बात है अपकमिंग टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वीमेंस की जो हर दो साल बाद होता है बट आज करेंगे बात स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश की बांग्लादेश के पास भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं स्पेशली जब वो स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो कुछ अलग ही मज़ा होता है उसमें जी बांग्लादेश बिल्कुल उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं अगर आप देखा जाए कि उनके जो लास्ट मैंने अभी बोला कि यू के अंदर उन्होंने फाइव मैच जो विन किए हैं और अगर आप देखा जाए स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने वैसे उनका पल्ला भारी है आउट ऑफ फोर टू तो फोर मैच उन्होंने विन किया है और उनकी जो बैटिंग जो बांग्लादेश की टीम है उनके मोस्ट जो प्लेयर हैं बिलो ट्वेंटी सिक्स ईयर्स है ये इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सर जब एक नई टीम में नए खिलाड़ी होते हैं जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है आपने भी ये रीबिल्डिंग प्रोसेस काफ़ी मरतबा देखा है तो ये जब रीबिल्डिंग प्रोसेस होता है तो उसमें खामियाजा क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है टीम को रीबिल्डिंग में यही होता है जो टीम्स उसको आप खिला रहे हो उनका जो प्रैक्टिस का जो होता है ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इनको करानी चाहिए जो री बिल्डिंग होती है और इनको मैचेस बहुत खिलानी चाहिए मैचेस से इनको जो है ना इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है और ये लोग आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आता है अभी यू की टीम अगर देखा जाए अभी आखिरी दिनों में इनको काफ़ी इनको प्रैक्टिस कराई जा रही है मैच खिलाए जाते हैं और आिस्ता सा आज हमारी जो लड़कियाँ हैं अभी यू की अभी वो जो फ्रेंचाइजी लीग भी खेल रही हैं ईशा दियोल जो इज़ इज़ द कैप्टन भी है प्लीपी कोविशा है फिर और दो तीन लोग तानिया लड़के बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले इनको इनके लिए अच्छा होगा वेल well, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि टीम आगे बढ़ रही है एक छोटा सा सवाल अगर हम पीछे चले जाते हैं उन्नीस सौ आपके टाइम पे भी आप लोगों ने काफ़ी मैचेस खेले आप इंडिया भी आए एज अू यूएई टीम आपका एक बड़ा आला दर्जे का कप्तान था सुल्तान जरवानी yeah. उसके बारे में अगर कुछ बात की जाए वो आप लोगों को कैसे लीड करता था फ्रॉम द फ्रंट और वो किस तरह का एक बहुत बड़ा स्कीपर था देखिए जी जो सुल्तान जरवानी है मुझे हमें बहुत अगर आ, आज आप देख लो जो यू में क्रिकेट हो रही है तो आई थिंक वो इज़ द मेन आदमी जिसकी वजह से क्रिकेट यहाँ पे यू की जो एसोसिएट मबर्स बना है ए, 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 ए जो उन्होंने बहुत तैयार किया मुझे बहुत अफसोस होता है कि आज तक जो भी हमारी यू की क्रिकेट होती है कोई उसके बारे में पूछता नहीं है हमारे बुखादर साहब तो हैं वो तो किंग है यहाँ पे। जो उन्होंने क्रिकेट की है उनका तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते लेकिन मेरा एक ही मकसद जो सुल्तान जरवानी है जिसने हमें क्रिकेट खिलाई एसोसिएट मे खिलाया वर्ल्ड कप खिलाया उसका बहुत बड़ा हाथ है वेल दिस इज़ अ मैसेज एंड शार्ट आउट सुल्तान जरवानी साहब का जो यू के काफ़ी सक्सेसफुल कप्तान रह चुके हैं इनफैक्ट हमने बड़ी कोशिश की है उनको अपने शो पे लाने की आपको लगता है वो हमारे शो पे आप पाएंगे आपके द्वारा अगर हम एक रिक्वेस्ट भेजें उन्हें तो आ, लेकिन मैं, मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट के लिए आएंगे वो इतने डिसाइड हुए आज तक कोई किसी ने आज तक किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया यू क्रिकेट के अंदर जो पर के... लेट्स टॉक अबाउट सुल्तान जो ये जनरेशन है नहीं जानती लोग कहते वो सुल्तानों का सुल्तान था जब वो आता था क्रीज में बॉलिंग अपनी करता था और बैटिंग एक इनफैक्ट यूट्यूब पे एक वीडियो है जहाँ पे एलन एन डोनल्ड दौड़ते हुए आते हैं और वो बॉल लगती है उनके सिर पे और फ्लॉपी हैट होती है उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि जैसे कि कुछ भी नहीं था बट जो क्रिकेट के जानकार हैं वो मानते हैं कि बहुत तगड़ी बॉल थी वो सर आप शायद नॉन स्ट्राइकर पे थे मैं नहीं नहीं मैं वो मैच खेल रहा था एक्चुअली मैं बैटिंग करने जा रहा था इन्होंने मुझे बोला नहीं मैं जाता हूँ बैटिंग करने के लिए तो मैं बोला अच्छा डोनल्ड को अगर आप फेस कर सकते हो तो आप चले जाओ लेकिन अगर आप देखा जाए जो सुल्तान है उसका जो मेन था वो बॉलर था जी लेग स्पिनर बॉलर लेग बहुत अच्छा बॉलर था मेरे इतनी बॉल वो टर्न करता था बहुत कम जो लेग स्पिनर है उनके पास इतनी टर्न थी सिर्फ उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था अगर वो थोड़ी लंबी करकेट खेलता तो शायद बहुत अच्छा वो बॉलर बन जाता वेल ये रही बात कप्तान की हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टैलेंट की क्योंकि हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं यू क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है तो लाजमी बात है कि वहाँ के लोगों का वहाँ के कप्तानों का वहाँ के प्लेयर्स का हम स्वागत ही नहीं बट ऑल्सो एक्नॉलेज करके उनका धन्यवाद कहें क्योंकि ये वो पिच है वो स्टेडियम है जिसने 250 से भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स मैचेस यहाँ पे खिलाए हैं और आज उसी के अंदर एक हमारा एक छोटा सा एफर्ट है कि थैंक करें प्लेयर्स लाइक उनके क्यूरेटर्स और फॉर्मर कप्तान सुल्तान जलवानी सर आज के मैच पर आ जाते हैं एक ऑल फीमेल पैनल है आज आपको देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने भी कोचिंग लड़कियों की आज से 10 12 15 साल पहले शुरू की थी आस्ते 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 आपने देखा बहुत बढ़िया है और आज यहाँ मंजर है कि 10 अंपायर और थ्री मैच ऑफिशियल्स तेरह लोग ऑफिशियट करेंगे ये मैच बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जो जो रेफ्री जो वो भी वुमेन है और वुमेंस का क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है मैंने आठ साल पहले नहीं लड़कियों की कोचिंग शुरू की मेरा मेरा बीस साल पहले मैंने एक लड़की आई थी नताशा मेरे पास खेलने जी की है, जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह खेलती थी और वो आ, बाद में यूई भी खेली मैं इंडिया में जाके भी उसने क्रिकेट खेली और उसके बाद फिर लड़कियों की क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए तो आठ साल पहले जो है ना प्रॉपर लड़कियों की क्रिकेट शुरू हुई जहाँ पे हम लोगों ने इनको आगे इनको देखना शुरू किया वेल उस जमाने में सेपरेट नेट्स तो नहीं हुआ करते थे उस जमाने में कैसे आप ट्रेन किया कर पाते थे नहीं प्लेयर्स को जी ये लड़कियां हमारे लड़कों के साथ खेलती थी जो हमारी युवा लड़कियां अभी भी लड़कों के साथ ही खेलती हैं और मैं तो इनको हमेशा बोलूँगा कि जब भी आप खेलो आप अगेंस्ट बॉयज़ खेलो लड़कियाँ या बॉयज़ के साथ खेलो ताकि इनमें वैसे ही वो चीज़ आई जैसे लड़कों की जैसे होती है ब्रिलियंट आज के मैच की और बात करें कि हमारे काफ़ी रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं आप शारजा की पिच को कितना बड़ा देखते हैं और कैसे आंकते हैं कि किस लेवल तक जाएगी क्या पिच का साइज आई मीन पिच कितने रन्स की होगी पहली नहीं शारजा की पिच अच्छी है, अच्छी पिच है मेरा ख्याल जो भी टीम बैटिंग करेगी पहले उसको 150 प्लस रन करने चाहिए उसके बाद 150 फिफ्टी रन करेगी तो जाके दूसरी टीम को थोड़ा सा डिफिकल्टी देगी अगर वो हंड्रेड हंड्रेड रन करती हैं तो मेरा नहीं है कि हंड्रेड रन्स यहाँ पे आप सेव कर पाओगे एटलीस्ट एटलीस्ट अगर आपको फाइट भी करनी तो 130, 140 प्लस रन्स चाहिए हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल प्रोग्राम कॉल क्रिकेट प्रिडिक्टर हमारे साथ हैं शहजाद अलताफ़ 1996 वर्ल्ड कप के यूएई के खास प्लेयर जिन्होंने यहाँ पे कम से कम 25 साल क्रिकेट खेली और आज हम उसी पिच पे पहला मैच बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश हम आल्सो बात कर रहे हैं कुछ पुरानी यादों की कुछ पुराने बीते हुए लम्हों की जिसके अंदर हमारे साथ दो बड़े अहम किरदार थे एक तो पिच क्यूरेटर जिन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाए और दूसरे सुल्तान जरवानी जो सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता था अपने आप में एक बहुत बड़े स्पिनर थे आ, उनका करियर कट शॉर्ट हो गया बट हमको उनकी तलाश है उनके रिकॉर्ड्स की तलाश है और हम ये अपनी तलाश जब तक वर्ल्ड कप रहेगा जारी रखेंगे एक ग्रेट लेजेंडरी प्लेयर नहीं एक बहुत बड़ा प्रमोटर ऑफ द गेम सर कमिंग बैक टू आर मैच टुडे दो मैचेस जब होते हैं सुबह पिच कैसे खेलती है और शाम को कैसा फ्लड लाइट्स के अंदर इसका वो रहेगा सुबह देखें यहाँ पे जो ना ये मौस, जो आप देखा जाए ना ड्यू पड़ती है शाम को जी। लेकिन जुड़ी नहीं कि ड्यू पड़े हर हाँ दिन ड्यू नहीं पड़ती जी अगर ड्यू नहीं पड़ती तो ग्राउंड जो पिच सुबह खेलेगी वैसे उस शाम को भी वैसे ही खेलती है ड्राइव जी है। जी और उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि ड्यू पड़ी तो बॉल थोड़ा सा हैवी हो जाता है बॉलर्स के लिए मुश्किल पैदा होती हैं बॉल करने में बॉल स्लिप हो जाता है हाथ से फुल टाच चल जाता है लूज़ बॉल हो जाता है लेकिन अगर ड्यू नहीं पड़ती तो सुबह खेलें शाम को खेलें एक ही है अगर नई टीमें जैसे खेल रही हैं जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट लड़कियां खेलती आई हैं आप उससे सैटिस्फाइड है कि प्रोग्रेस हो रहा है क्योंकि अभी इनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो बढ़ती जा रही है बिल्कुल अगर आप जाएं दस साल पहले तो लड़कियों के क्रिकेट में और अब के क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान का फ़र्क है ये तकरीबन अभी अगर आप देखा जाए तो बॉयज़ के बराबरी खेल रही हैं सिक्स मार रही हैं बड़े बड़े सिक्स मारे हैं मुझे लगता है कि पहले लड़कियाँ सिक्स मारती थी थे अगर आप जी अभी तो लड़कियाँ आप देखें सिक्स मार रही हैं और फास्ट बॉलिंग भी कर रही हैं एट्टीन नाइन्टीज की स्पीड में बॉल भी कर रही हैं बहुत बड़ी बात है अब थोड़ी सी बात करते हैं सर अगर आपकी बैटिंग लाइनअप में अगर लेफ्ट हैंडर ना हो तो क्या क्या तकलीफें आएंगी क्योंकि स्कॉटलैंड के पास कोई बड़े या शायद एक ऐसी इकलौती टीम है जिसके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है तो क्या उनको तकलीफ होगी नहीं इसमें तो कोई मेरे नहीं लगता तकलीफ हो क्योंकि लेफ्ट अंडर के लोग खेलते आते हैं दूसरी टीमों के साथ तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं ये राइट आ, राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन अमूमन कहा जाता है कि ये बॉलर्स की लाइन रिदम को डिस्टर्ब करता है आपको लगता है एकदम स्मूथ होगी उनकी अपोजिशन एकदम स्मूथ होगी कि ये लोग कोई नए प्लेयर तो है नहीं कि उनको डिफिकल्टी होगी ये सब लोग खेलते आ रहे हैं लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर के अगेंस्ट तो मुझे नहीं लगता वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इतनी अच्छी लेवल क्रिकेट में किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती ह्यूमिडिटी की बात करें अभी पिछले तीन चार दिन में देखा है कि वेदर थोड़ा अच्छा हो गया इंक्लूडिंग दुबई में जहाँ पर थोड़ी सी बारिश भी पड़ी थी आपको लगता है ये वेदर भी अच्छा होता जाएगा जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होगा देखिए वेदर तो यू के जो ह्यूमिडिटी होती है ना जो शाम को होता है ड्यू तो हम कभी भी हो सकती है जैसे हवा बंद होगी तो ग्राउंड में ड्यू आना शुरू हो जाती है अगर हवा चलती रहे तो ड्यू नहीं आती और ग्राउंड ट्राई रहता है शाम को भी तो प्रॉपर जैसे सुबह वैसे ही खेलता है जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने ड्यू की आपने पिच की बात की आपने ऑल फीमेल पैनल की बात की है जो ऑफिशिएट कर रहा है इसके अंदर आपको क्या लगता है कि एक मैच होने के बाद दो मैच होने के बाद थोड़ी चीज़ें सेटल हो जाएंगी फर्स्ट राउंड इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है संडे को छः तारीख को नहीं सब चीज़ें सेटर होगी ग्राउंड में तो इतने मैचेस होते हैं तो उनको अगर ये मैचेस होते तो हैं डिफरेंट तो डिफरेंट पिचेस में मैच होते हैं आज किस पिच में क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में सेम पिच यूज़ नहीं करते वो तो फिर जाके वो दूसरी तीसरी पिचेस में यूज कर और सारी पिचिज जो है ना वो बैट्समैनस की पिचज़ होती हैं एब्सोल्यूटली बैट्समैन की पिचेज होती है और हम ये भी एज अ फैन हम होप करते हो हैं कि एक सौ बीस चौबीस पच्चीस अट्ठाईस तीस तक क्रॉस कर जाए अगर तो कुछ फाइटिंग टोटल होता है ये 67 सेवन परसेंट ये क्रिकेट प्रडिकता है इसमें 67 परसेंट हमने देखा है कि मैचेस 120 से ऊपर गए पिछले तीन साल की जो क्रिकेट गई है सर द लेवल ऑफ बैटिंग अगर आप देखें वो भी फास्ट हो गई है रनिंग बिटवीन द विकेट और फील्डिंग पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको लगता है फास्ट हो गया जी बिल्कुल जो जो क्रिकेटर हैं जो कोचिज़ भी हैं आजकल के कोचेज़ तो वो जब प्रैक्टिस कराते हैं तो इनको यही सिखाते हैं कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है जीरो टू वन वन टू टू मोस्टली वही फ़िटनेस का होता है इसीलिए आजकल फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं कि कौन सा जो प्लेयर है वो कन्वर्ट कर सकता है आप देखा जाए जो भी आ, अगर आप कन्वर्ट करते हो कभी कर कभी आप मैच एक रन से मैच आ जाते हो अगर आपका जो बैट्समैन है वो रन नहीं करता वो कोई रन मिस करता है तो लास्ट में जो वो रन आपने मिस किए होंगे तो वही आपको तकलीफ देंगे पहले आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे मेल कोचेज भी फीमेल टीम्स के कोचेस बन गए आपको लगता है ये अच्छा पॉजिटिव साइन है बड़े न, न ना, बड़े नाम कोटनी वॉल्च तक आके कोचिंग कर चुके हैं जी बिल्कुल मेल्स ही कोच होने चाहिए क्योंकि वुमेंस की जो क्रिकेट है इतनी ज़्यादा पुरानी क्रिकेट नहीं है हमारे से उनको भी एक्सपीरियंस आएगा और वो भी करेंगी क्यों नहीं करेंगी अगर हमारी यू टीम में देखें तो हमारी टीम में यू ई की कोच रह चुकी हैं अब भी जो शोभा कर रही है वो यू की टीम मैनेजर है साथ उनको वो कोचिंग भी करती है और अहमद हैं अहमद रजा हैं जो कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं बाकी मुदसर साहब हैं सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं मुदसर नज़र हमने ये भी देखा है कि इसके अंदर फॉर्मल लेजेंड्स रमेश शटाइ कोटिंग वॉल्स मुदसर नजर साहब ये सारे कोचिंग में इन्होंने कोचिंग करके रमेश पवार इंडिया से और अभी अमोल मुजमदार जो इंडिया टीम के कोच है ये काफ़ी अच्छा लगता है आपको लगता है ये एक पॉजिटिव साइन है बिल्कुल कोच मेन नहीं कोच होना चाहिए अगर वुमेन कोच भी है तो असिस्टेंट हो या जो उसके साथ वो ऐसा सा उसको उनको सीखना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो वो लोग भी काफ़ी इनमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी कुछ करने क्योंकि सबसे मेन जो होता है कि एक मैन का कैच कराना वूमेन का कैच कराना बहुत जमीन आसमान का फ़र्क होता बड़ा है बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये well, वेल ये थे हमारे साथ शहजाद अलताफ़ साहब जिनका वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है बहुत अच्छी किफ़ायती बॉलिंग का और हमारे साथ एज जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा हमारा वर्ल्ड कप हमारे साथ कई और बड़े गेस्ट जो आज हवाई जहाज़ में कल हमारे साथ सीट पे होंगे वेल दैट्स ऑल वी हैड टाइम फॉर आप देखते रहिएगा एक फेमस और बहुत ही एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कॉल्ड क्रिकेट प्रिडिक्टा। हम आपके साथ मारबेला रिजॉर्ट्स शारज़ा से मुखातिब हुए हैं आपको रोज़ इस टूर्नामेंट के बारे में आपको और चीज़ बताएंगे तब तक के लिए अपने फैन से हम इजाजत लेते हैं सुनील यशकाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम मारबला रिजॉर्ट शारजहा thank <laughs> you